हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज की आज की क्लास में। और आज आर्ट रिवीजन क्लास 42 रहेगी, जिसके अंतर्गत हम कुछ 50 के करीब क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न आपके पाश्चात्य कला के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। यूथ कॉम्पिटिशन बुक नई वाली बुक से बिल्कुल करवाया जा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही चैनल पर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस दिए गए हैं उन सभी को आप देखें, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। और इसके अलावा आपके KVS आर्ट एजुकेशन की जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सेकंड पेपर की, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यानी कि जितने भी आपके आर्ट एग्ज़ाम हैं सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वीडियोज़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 353 देखते हैं। इसके पहले के सभी प्रश्न कराए गए हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 353 देखेंगे। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? रोनाल्ड्स, जॉन ओपी, टर्नर, रेमब्रांट। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार इनमें से कौन है? सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्नर। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है टर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 354 ध्यान दीजिएगा। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? मातिस, कैरो, कुर्बे, देगा। मातिस, कैरो, कुर्बे, देगा, इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुर्बे, गुस्ताव कुर्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 355, कौन यथार्थवादी चित्रकार चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था? ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो ऑप्शन देखेंगे दामिये, कुर्बे, डेविड, गोया, इनमें से कौन यथार्थवादी चित्रकार है और चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोमिये। ठीक है, दोमिये जो हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मार्शाय शहर में हुआ था 1808 ईस्वी में, और 22वें साल में, अपने उम्र के 22वें साल में उन्होंने व्यंग्य चित्रकार के रूप में कार्य शुरू किया। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 356, पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार का नाम क्या था? कुर्बे, दोमिये, सेंजा, सल्वाडोर डाली। पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार का नाम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुर्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 357, दो वकील कृति है, किसकी कृति है? अवनींद्रनाथ की, दोमिये की, MF हुसैन की, इनमें से कोई नहीं। दो वकील, ये कृति किसने बनाई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोमिये की है। ठीक है, ओनोर दोमिये, इन्होंने पहले न्यायालय में लिपिक का कार्य किया करते थे और बाद में ये एक प्रसिद्ध कलाकार हुए, और दो वकील नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना इन्होंने ही की, यानी कि दोमिये के द्वारा की गई है दो वकील कृति की रचना। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 358, तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन था? दोमिये, माने, पिकासो, वानगो। तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोमिये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 359 है, गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, हॉलैंड, ग्रीस, फ्रांस। सभी लोगों को आंसर जरूर देना है। ठीक है, ये आपकी रिवीजन क्लासेस के लिए दिया जा रहा है जिससे आप रिवीजन कर पाएँ। अगर आपने अभी तक तैयारी कर ली होगी तो अब आप रिवीजन करके देखें आपकी तैयारी कैसी हुई है। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, हॉलैंड, ग्रीस, फ्रांस। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 360 है, किस कलाकार ने मैरिज एला मोड श्रृंखला चित्रित किया? किस कलाकार ने मैरिज एला मूड श्रृंखला चित्रित किया? गैंसबरो,
विलियम होगार्थ, फ्रेंकायच बोखर टाइपोलो। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आंसर करेंगे किस कलाकार ने मैरिज एला मूड श्रृंखला चित्रित किया, गैंसबरो, विलियम होगार्थ, फ्रेंकायच बोखर टाइपोलो। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम होगार्थ, विलियम होगार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 361 है, समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करना है। तो यहाँ पर आपको पहचान करनी है समकालीन यथार्थवाद कलाकार की, जो कि एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है, जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करना है। ऑप्शन देखिएगा, पियोरो मंजोनी 1933 से 1963, मारियो मेज 1925 से 2003, माइकल एंजलो पिस्टोलेटो, लुसियान फ्रायड 1922 से 2011। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लुसियान फ्रायड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है इनमें से असमान नाम अलग कीजिए, अरस्तु, बामगार्टन, हीगेल, कुर्बे। इनमें से आपको असमान नाम अलग करना है, यानी कि कौन सा एक अलग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुर्बे। बामगार्टन, अरस्तु और हीगल ये सभी पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री हैं, लेकिन कुर्बे जो हैं ये यूरोपीय आधुनिक यथार्थवाद के चित्रकार हैं। तो इस तरह से राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 363 नंबर देखेंगे, यहाँ से आपके बारबीजा कलाकारों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खान मजदूर किस कलाकार की कृति है, कोरा, कुर्बे, जिया फ्रांसवा, मिले, रूसो। खान मजदूर किस कलाकार की कृति है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिया फ्रांसवा मिले। ठीक है, जिया फ्रांसवा मिले ये बारबीजा चित्रकारों के एक अपवाद मात्र चित्रकार थे, ठीक है, जिन्होंने प्रकृति चित्रण नहीं किया है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, खान मजदूर इन्हीं की कृति है, जिया फ्रांसवा मिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है किस कलाकार ने स्लीपिंग जिप्सी बनाया, डाली, छागाल, रूसो, ब्लूमो। किस कलाकार ने स्लीपिंग जिप्सी बनाया, तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूसो। किस कलाकार ने स्लीपिंग जिप्सी बनाया, राइट आंसर सी, रूसो के द्वारा बनाया गया था स्लीपिंग जिप्सी, जॉन रूसो ने बनाया था। ठीक है, द स्लीपिंग जिप्सी जो है ऑयल ऑन कैनवास पर बना है, ध्यान देंगे। और फ्रेंच नेव कलाकार हेनरी रूसो का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी आप नोट कर सकते हैं, 1844 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हेनरी रूसो ने बनाया है द स्लीपिंग जिप्सी चित्र 1897 में ऑयल ऑन कैनवास पर। ठीक है, तो किस कलाकार ने स्लीपिंग जिप्सी बनाया है, याद रखेंगे रूसो के द्वारा बनाया गया है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 365 देखेंगे, थियोडोर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था, थियोडोर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या फिर 19वीं शताब्दी। फटाफट आंसर देते रहेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 19वीं शताब्दी। वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग आंसर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 366 है, निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है, और आज पूरे 50 क्वेश्चन हैं तो ध्यान से करेंगे। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है, वर्मीर, डामियर, कुरोट, डेला क्रोइक्स। राइट आंसर सी हो जाएगा, कुरोट। ठीक है, कामीय कोरो जिनका नाम है, याद रखेंगे कामीय कोरो या फिर कुरोट के नाम से भी फेमस हैं। तो ये जो चित्रकार हैं बारबीजा चित्रकारों में फेमस चित्रकार हैं और भूदृश्य चित्रकार के रूप में इन्होंने अधिक ख्याति प्राप्त की हुई है। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 367, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया,
किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 20वीं शताब्दी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 368 है, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, यहाँ पर इसका आंसर दिख रहा है, राइट आंसर ए हो जाएगा, बारबीजन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 369 ध्यान देंगे, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है, यथार्थवादी आंदोलन, संकल्पनात्मक कला, स्त्रीवादी आंदोलन, आध्यात्मिक कला, आंसर क्या होगा? तो कलाकारों, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप, ठीक है, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकल्पनात्मक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 370 है, गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे? गोथिक कला के विकास में इनमें से प्रमुख कारक कौन से थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देखेंगे और आंसर करेंगे। तो ऑप्शन ए है नगरीकरण, व्यापारिक विकास एवं शक्ति संपन्न राजसत्ता, ऑप्शन बी है जनमानस की आकांक्षाएं, नगरीकरण धर्मगुरुओं का प्रभाव, ऑप्शन सी में है कलाकारों के समूह धर्म, नवीन चेतना, ऑप्शन डी है नवीन कलाधाराएं, नवीन विचार धर्म, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलाकारों के समूह धर्म, नवीन चेतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 371, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निम्न होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? राइट आंसर यहां पर देखेंगे ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां से अब आपके प्रभाववाद, नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद के सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 372 ध्यान दीजिएगा, किस पाश्चात्य कलाकार ने अपनी पुस्तक हिरोशिगे के काष्ठ छाया चित्र पर आधारित चित्र बनाया है? गोंगा, एडगर देगा, पॉल क्ली, वान गॉग। किस पाश्चात्य कलाकार ने अपनी पुस्तक हिरोशिगे के काष्ठ छाया चित्र पर आधारित चित्र बनाया है? राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, वान गॉग। ठीक है, पाश्चात्य कलाकार हैं विंसेंट वान गॉग, इन्होंने अपनी पुस्तक हिरोशिगे के काष्ठ छाया चित्र पर आधारित चित्र बनाया है। विंसेंट वान गॉग का जन्म 30 मार्च 1853 ईस्वी में ग्रिटजुंडर्ट गांव यानी कि नीदरलैंड में हुआ था और ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इनका प्रसिद्ध चित्र जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, द पोटैटो एटर्स यानी कि आलू भक्षी, सूर्यमुखी का फूल, सनफ्लावर, ये सभी बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इसको जरूर सुनेंगे। और इसके पहले पाश्चात्य कलाकार की प्लेलिस्ट है, उम्मीद है आपने देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करिए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे सभी प्लेलिस्ट आपको क्रम से मिल जाएगी, गुफाओं की चित्रकला, पाश्चात्य कला की प्लेलिस्ट और इसी तरह से यूथ कॉम्पिटिशन की पूरी प्लेलिस्ट है, तो एक एक करके सभी प्लेलिस्ट के वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 373, तृण पर भोजन प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की कृति है? तृण पर भोजन मोने की है या फिर माने मोने देगास रेमरा, फिर से ऑप्शन सुनेंगे, माने मोने देगास रेमरा, तृण पर भोजन किसने बनाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये माने के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तृण पर भोजन जो प्रसिद्ध चित्र है एडगर माने के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 374, इनमें से किस वाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य करते थे? ऑप्शन ए है प्रभाववाद, ऑप्शन बी है उत्तर प्रभाववाद, ऑप्शन सी है नव प्रभाववाद, ऑप्शन डी है अभिव्यंजनावाद। तो किस वाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य करते थे? राइट आंसर यहाँ पर सी के साथ जाएंगे, राइट आंसर सी, नव प्रभाववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 375, इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? तो नहीं पर जरूर ध्यान देंगे, आजकल इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? मिले, देगास, मोने, सिसली। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिले। ये बारबीजा चित्रकार हैं, प्रभाववादी चित्रकार नहीं है, ठीक है। मिले जो हैं ये बारबीजा चित्रकार हैं, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मोने, देगास और सिसली, ये तीनों ही आपके प्रभाववादी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 376, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? मातिस, सेजान, वान गॉग, गोंगवा। कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मातिस। हेनरी मातिस जो हैं ये उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं हैं। हेनरी मातिस फाववादी चित्रकार हैं, यानी कि जंगलवादी भी कहा जाता है, फाववादी या फिर जंगलवादी कलाकार, याद रखेंगे, ठीक है। सेजान, वान गॉग और गोंगवा, ये तीनों उत्तर प्रभाववादी चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 377, नौ प्रभाववाद शैली के जनक कौन थे? सेजान, मोने, जार्जसोरा, पिसारो। नौ प्रभाववाद शैली के जनक कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जार्जसोरा या फिर शिवरा, ठीक है। नौ प्रभाववाद का जनक जार्जसोरा को माना जाता है। इनका चित्र है स्नान स्थल, ठीक है, और ये स्नान स्थल जो चित्र है, स्नान स्थल, ठीक है, स्नान स्थल जो चित्र है ये नव प्रभाववाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है, पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 378, विंसेंट वान गॉग के चित्र डैश से प्रभावित है आधुनिकतावाद, रोमांसवाद, नवजागरण काल या फिर प्रभाववाद? विंसेंट वान गॉग के चित्र किससे प्रभावित है, किस वाद से प्रभावित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रभाववाद, ठीक है। विंसेंट वान गॉग के जो चित्र हैं ये प्रभाववाद से काफ़ी प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा? पिसारो, देगास, रेनवार, मोने। इनमें से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोने। प्रभाववादी चित्रकार क्लोद मोने, ये जापानी प्रिंट से इन्होंने सर्वाधिक चित्र बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 380, ध्यान दीजिएगा, द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई? रोसो, देगास, डेविड स्मिथ, अगस्त रोंदा। तो द थिंकर जो मूर्ति है ये अगस्त रोंदा ने बनाई है ब्रॉन्ज स्कल्पचर में 1904 में, और ये रोडिन म्यूजियम पेरिस में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगस्त रोंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? मोने, मिले, सेजा, राफेल। स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? स्नानमग्न युवतियों जो चित्र है ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था सेजा ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉल सेजा के द्वारा बनाया गया है स्नानमग्न युवतियों चित्र, ठीक है। और सेजा के और भी फेमस चित्र हैं, याद रखेंगे, ताश खेलने वाले, चाचा डोमिनिक, काली घड़ी, फांसी दिए गए व्यक्ति का मकान, ये सभी किसके? सेजा के द्वारा बनाए गए चित्र हैं, ठीक है। सेजा का जन्म जो है 1839 में एक्सा प्रोवांस में हुआ था, और ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे, ठीक है। इनको आधुनिक कला के जन्मदाता भी माना जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 382, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? कैमिले पिसारो, सेजा, पाल गोगवा, वान गॉग। द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वान गॉग। द नाइट कैफे जो चित्र है ये वान गॉग के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सनराइज इंप्रेशंस का चित्रकार कौन है? क्लॉद मोने, एडवर्ड माने, पाल गोगवा, विंसेंट वान गॉग। सनराइज इंप्रेशंस, ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लॉद मोने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 384, प्रभाववाद का मुख्य तत्व क्या है? रंग प्रयोग, रेखांकन, विषय चयन, प्रकाश का बदलता प्रभाव। प्रभाववाद का मुख्य तत्व क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का बदलता प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 385, किस वाद को इंद्रधनुषीय वाद के नाम से पुकारा गया? यथार्थवाद, रोकोको, प्रभाववाद, रोमांसवाद। किस वाद को इंद्रधनुषीय वाद के नाम से पुकारा गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रभाववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 386, प्रभाववाद का बीजारोपण कब हुआ? 1750 में, 1800 में, 1924 में, 1863 में। तो प्रभाववाद का जो बीजारोपण है ये 1863 में हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 387, प्रभाववाद की एकमात्र महिला चित्रकार कौन थी? मोरिस, मैरी कैसाट, मोरिसोट, रोसिटी। प्रभाववाद की एकमात्र महिला चित्रकार कौन थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैरी कैसाट। ठीक है, याद रखेंगे मैरी कैसाट, ये प्रभाववाद की एकमात्र महिला चित्रकार थी, मैरी कैसाट। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 388, हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? माया तथा अजेटिक मूर्तिकला, एट्रुस्कान मूर्तिकला, अफ्रीकी मूर्तिकला, भारतीय मूर्तिकला। हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, माया तथा अजेटिक मूर्तिकला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 389, अभिकथन है, सौंदर्य के प्रति हेनरी मूर का लक्ष्य केवल इसका प्रसन्न करने वाला पहलू नहीं है। कारण बताया गया यहाँ पर, आदिम मूर्तिकला की भांति हेनरी मूर के कार्यों में एक आंतरिक दबी हुई शक्ति है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों यहाँ पर सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 390, ये भी आपका अभिकथन वाला क्वेश्चन है, हेनरी मूर ने स्मारकीय प्रतिमाओं के निर्माण को वरीयता दी। तर्क है वह केवल यही चाहता था कि विपुल जन समुदाय उन्हें देखे। यहाँ पर भी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए सही है, परंतु यहाँ पर आर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 391, अभिकथन है, हेनरी मूर ने अपने शिल्प को खुले स्थान में रखने को वरीयता दी ताकि सभी उसे देख सके। कारण क्या दिया गया है? क्योंकि वे चाहते थे कि उनका शिल्प केवल सजावटी वस्तु बनकर ना रह जाए बल्कि लोगों को अनुप्रेरित करे। तो 391 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ए तथा आर दोनों यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 392, मैं प्रकृति को अनुकृत नहीं करना चाहता, मैं इसे पुनः मूर्तियाँ करना चाहता हूँ, किसने कहा है? कथन है, मैं प्रकृति को अनुकृत नहीं करना चाहता, मैं इसे पुनः मूर्तियाँ करना चाहता हूँ, किसने कहा? लियोनार्डो, मीरो, गोया, सेजा। तो ये जो कथन है सेजा के द्वारा कहा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेजा ने कहा, मैं प्रकृति को अनुकृत नहीं करना चाहता, मैं इसे पुनः सृजित करना चाहता हूँ। ठीक है, और यह कथन सेजा के द्वारा कहा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 393 है, सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया? सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया है? रूबेंस, रेमब्रांट, वैन गॉग, रेनायर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैन गॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 394, अभिकथन है, हेनरी मूर अपने मूर्तिशिल्प में स्मारकीयता के अंकन के लिए प्रसिद्ध हैं। कारण है विशाल आकार का होने के कारण उनके मूर्तिशिल्प में स्मारकीयता थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए सही तथा आर भी यहाँ पर सही है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 395, नौ प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? मोने, माने, जॉर्ज श्यूरा, वान गॉग। नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्ज श्यूरा या फिर जॉर्ज सोरा। ये नव प्रभाववाद के प्रणेता हैं, ठीक है, जॉर्ज सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 396 जो है यहाँ पर, यह आपका यानी एनटी यूजीसी नेट का क्वेश्चन है और इसमें चित्र भी दिया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। छवि के शीर्ष पाठ में उल्लिखित जेन अविरल कौन है? कैबरे गायिका, कैन कुन नर्तकी, चित्रकार, हॉलीवुड अभिनेत्री। छवि के शीर्ष पाठ में उल्लिखित जेन अविरल कौन है? तो यहाँ जो चित्र दिया गया है इसी का ये प्रश्न है। राइट आंसर यहाँ पर आप याद रखेंगे ऑप्शन बी कैन कुन नर्तकी, ठीक है, जॉन अविरल कैन कुन नर्तकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी प्रश्न आपका इसी तरह से है, तो क्वेश्चन नंबर 397 देखेंगे। यह सर्वप्रथम किस माध्यम में सृजित हुआ था? तो ये जो चित्र है ये सबसे पहले किस माध्यम में सृजित हुआ था? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिएगा और आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कलर लिथोग्राफ, ठीक है। यह जो चित्र है ये कलर लिथोग्राफ में सबसे पहले सृजित हुआ था, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है इसी से रिलेटेड, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 398 है, यह कलाकार कला के किस आंदोलन से संबद्ध था? ठीक है, यह कलाकार कला के किस आंदोलन से संबद्ध था? अमूर्त अभिव्यंजनावाद, लाबेले एपोक, नवयथार्थवाद, उत्तर प्रभाववाद। हालांकि ये क्वेश्चन आपके टीजीटी में नहीं पूछे जाएंगे, हो सकता है पीजीटी में एक आध प्रश्न पूछ लिए जाए इस तरह से भी। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एनटीए यूजीसी नेट पर पूछे जाते हैं, नेट जेआरएफ में, लेकिन चूंकि मैं यूथ कंपटीशन के सभी क्वेश्चन करा रही हूँ इसलिए इन क्वेश्चन को भी शामिल कर लेती हूँ। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रभाववाद। यह कलाकार कला के किस आंदोलन से संबंधित था? उत्तर प्रभाववाद से, यानी कि तुलुज लोत्रेक प्रमुख रूप से प्रभाववाद के कलाकार थे और इनका संबंध उत्तर प्रभाववाद से भी रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 399 है, यह क्या कलाकृति है? तो यह क्या कलाकृति है? चार ऑप्शन है, ड्राइंग है, एचिंग है, पेंटिंग है, पोस्टर है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, यह जो कलाकृति है यह क्या है? यह पोस्टर है, ठीक है। तुलुज लोत्रेक की कृति है, जान आविरल, पोस्टर में बना है याद रखेंगे, और लिथोग्राफी माध्यम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 400 है, दिए गए कला के कलाकार कौन है? जॉर्जिस सेवरट, हेनरी द टुलोज लोत्रेक, हेनरी रूसो, जूल्स चैरेट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेनरी द टुलोज लोत्रेक, ठीक है। ये जान अविरल की कलाकृति है, इसके कलाकार हैं तुलुज लोत्रेक, तो ध्यान से देख लीजिएगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 401, ठीक। क्वेश्चन नंबर 402 देखेंगे, किस चित्र का पूर्व का नाम स्नान था? बैठी हुई लड़की रेनोए, अनावृत रेनोए, कुएं पर बैठी औरत रेनोए, तृण पर भोजन माने। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर जो लोग नए आए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही बेस्ट चैनल होगा और निश्चित आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ से जुड़े हैं वो बेहतर कर पाएंगे ऐसी उम्मीद करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।